आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। महामारी के आने पर इंसान आंकड़ों में बदलने लगता है, जीने और मरने के आंकड़ों में। लेकिन इंसान ही इसे बदल भी सकता है। कोशिशें जारी हैं कि फिर से दुनिया पहले सी हो जाए। नमस्कार, मैं हूं माधुरी, आज तक रेडियो का कोरोना कवरेज लेकर। इस खास पॉडकास्ट में हम देश परदेश की कोरोना से जुड़ी अपडेट आपके लिए ले आते हैं। आज हम कुछ रोचक बातें करेंगे, यानी कि जो नई नई रोचक रिसर्च हो रही हैं, नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। जैसे एक नए प्रकार का मास्क बनाया गया है। अभी पिछले ही दिनों कोरोना कवरेज में हमने इसराइल के एक महंगे गोल्डन मास्क की बात की थी और प्रेशर कुकर में मास्क को सैनिटाइज करने की भी बात की थी, और अब ये नया मास्क। इसके अलावा हम बात करेंगे कि एक रिसर्च कहती है एयर पोल्यूशन अगर ज्यादा है तो कोविड-19 का खतरा भी ज्यादा होगा। और हाँ, कोरोना के आगे डट कर खड़े होकर उसे हराने वाले शख्स गिरीश से भी होगी बात। पहले हेडलाइंस। भारत में कोविड-19 के ठीक होने की दर 70% से ऊपर हो गई है। मृत्यु दर 1.98% है। पिछले 24 घंटों में मिले लगभग 61,000 कोरोना संक्रमित, 56,000 से ज्यादा लोगों के ठीक होने की जानकारी मिली है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत नाजुक बनी हुई है। देश में कोविड-19 महामारी के दौरान हुई बहुत सी अव्यवस्थाओं पर जांच कमीशन बनाए जाने वाली याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी। पश्चिम बंगाल में 28 अगस्त का कंप्लीट लॉकडाउन अब नहीं रहेगा, इसे रिवाइज किया गया है। अब 20, 21, 27 और 31 अगस्त को लॉकडाउन होगा। कोरोना से जूझते वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस में ग्रेजुएशन कोर्स में प्रवेश के लिए अब सिर्फ ₹1 फी देनी होगी। पहले कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने के रूस के दावे पर WHO ने कहा है कि फेज 2 और फेज 3 ट्रायल पूरा होने से पहले उत्पादन शुरू नहीं होना चाहिए। चीन में कोरोना वायरस एक बार फिर फ्रोजन सी फूड के पैकेट पर पाया गया है। चीन में और 4 महीनों में सिंगापुर में कोविड-19 के रोज के केसेस में पहली बार कमी आई है। हम हर रोज होने वाली एक नई रिसर्च देख ही रहे हैं। एक और नई बात मैं आपको बताती हूँ कि जर्नल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें ये दावा किया गया है कि जितनी बार माउथ वॉश से गार्गल करेंगे कोविड-19 का रिस्क उतना ही कम हो जाएगा। दरअसल वैज्ञानिकों का मानना है कि गले में और मुंह में बहुत ज्यादा वायरस रहते हैं। अगर बार बार माउथ वॉश से कुल्ला किया जाए तो वो वही वायरस को मार देता है। खैर, इससे कुछ हो ना हो, ये तो हो ही जाएगा कि आपका नॉर्मल ओरल हाइजीन अच्छा रह सकता है, दांतों की बीमारियां भी थोड़ी कम हो सकती हैं। फिलहाल एक और नया आविष्कार, KC-99। ये एक मास्क का नाम है। पूरा नाम है किलिंग कोरोना 99.9%। हाँ जी, यानी इसे पहना तो 99.9% कोरोना वायरस का सफाया होने की संभावना है, ये दावा किया जा रहा है। भारत का एक और नया तकनीकी कारनामा है एक तरह से। ये एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल भी है ये मास्क। और क्या क्या है इसमें खास, जानते हैं हमारी सहयोगी खुशबू से। जहां पूरी दुनिया कोरोना से निजात पाने के लिए वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रही है, वहीं दूसरी ओर एंटी आई कोरोना मास्क आ चुका है। जी हां, सही सुना आपने, यह एक ऐसा फेस मास्क है जो न सिर्फ कोरोना के संक्रमण से बचाता है बल्कि 99% कोरोना वायरस को मारता भी है। यह एक 2-ply कॉटन फेस मास्क है जो ड्यूरा प्रॉट तकनीक से बना है, जिसकी वजह से ये मास्क वॉश रेजिस्टेंट, एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मास्क बहुत ही किफ़ायती दाम पर उपलब्ध भी है। आइए जानते हैं कि ये मास्क हमारे लिए इतना क्यों ज़रूरी है। ये मास्क नियमित मास्क से कई मायनों में बेहतर है। पहला ये कि ये न केवल कोरोना वायरस के प्रवेश को रोकता है बल्कि इसे मारता भी है। यह सुनिश्चित करता है कि वायरस हमारे चेहरे के सतह पर न टिके। दूसरा, ये मास्क बेहद ही आरामदायक है, बड़े और मध्यम आकार में भी उपलब्ध है।
नियमित मास्क अक्सर ढीले ढाले आते हैं जो नाक और मुंह को अच्छे से ढक नहीं पाते, जिसकी वजह से संक्रमण का खतरा ज्यादा रहता है। एंटी आई कोरोना मास्क इस कमी को भली भांति पूरी करता है। ये मास्क उन स्थानों में विशेष रूप से सहायक है जहां सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना कठिन है, और खासकर उन लोगों के लिए जो कोरोना जैसी खतरनाक महामारी को अभी भी हल्के में ले रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस तकनीक को विकसित किसने किया है। इन एंटीवायरल मास्क को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ड्यूराप्रॉड टेक्नोलॉजी IIT बॉम्बे द्वारा विकसित और पेटेंट की गई है। एंड्स नामक कंपनी ने इस तकनीक का उपयोग करके मास्क और कपड़ा का उत्पादन करने के लिए IIT बॉम्बे के साथ साझेदारी की है। सचमुच एंटी आई कोरोना फेस मास्क COVID-19 जैसी वैश्विक चुनौती के खिलाफ एक प्रभावी और सस्ता समाधान है। और अब उस रिसर्च की बात जिसमें ये कहा गया है कि एयर पोल्यूशन अगर वातावरण में ज्यादा है तो COVID-19 के संक्रमण को बढ़ाने वाला ये एक कारक है। इस रिसर्च में और क्या क्या कहा गया है ये हम जानते हैं हमारे साथी प्रतीक से। दुनिया भर में कोरोना के मरीज बढ़ने के साथ लॉकडाउन लगाना पड़ा था। दुनिया में कई देशों के साथ भारत के भी कई हिस्सों में आज भी लॉकडाउन लगा हुआ है। वैसे तो लॉकडाउन की वजह से पर्यावरण यानी कि हवा में बहुत सुधार आया है, लेकिन आगे चलकर अगर यह हवा ऐसी ही साफ न रहकर दूषित हो जाती है तो एक अध्ययन के मुताबिक ये कोरोना के रिस्क को और ज्यादा बढ़ा देगा। नीदरलैंड में किए गए एक नए अध्ययन में वायु प्रदूषण के स्तर और COVID-19 मामलों की संख्या के बीच संबंध पाया गया है। अध्ययन के अनुसार प्रदूषण के बढ़ते स्तर के साथ कोरोना के मरीजों में भी बढ़ोतरी देखी गई है। इसके पहले भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने अध्ययन में चेताया था कि उच्च वायु प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोग कोरोना वायरस के शिकार होने में अधिक संवेदनशील हो सकते हैं, क्योंकि उनके फेफड़े वायु प्रदूषण के चलते कमजोर हो जाते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारी भी कह चुके हैं कि वायु प्रदूषण का बढ़ता स्तर COVID-19 के गंभीर मामलों के लिए एक रिस्क फैक्टर साबित हो सकता है। हालांकि मेडिकल प्रोफेशनल्स ने बताया है कि वो इससे सहमति रखते हैं, लेकिन अभी यह साबित करना जल्दबाजी होगा कि COVID-19 और ऊंचे वायु प्रदूषण स्तरों के बीच कोई संबंध है। लेकिन कुछ देशों के मेडिकल प्रोफेशनल्स का कहना है कि उन्होंने कई ऐसे केसेस देखे हैं जो कि पहले से वायु प्रदूषण आधारित बीमारियों से जूझ रहे थे और फिर वे गंभीर COVID-19 संक्रमण का शिकार हो गए। भारत सरकार के स्वास्थ्य अफसरों ने बताया है कि अभी कोरोना और वायु प्रदूषण के बीच लिंक साबित करने वाली पर्याप्त जानकारी मौजूद नहीं है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च की स्पोक्सपर्सन डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव का कहना है, इस बात के पुख्ता प्रमाण नहीं है और हम इस तरह की कोई स्टडी कर भी नहीं रहे हैं। तो फिलहाल इस विषय पर अभी भी अध्ययन जारी है और इसीलिए प्रदूषण और कोरोना में कितना क्या संबंध है इस पर अभी भी प्रश्न चिन्ह है। और अब बात करते हैं गिरीश गुप्ता से, जिनकी एक स्टेशनरी शॉप है जयपुर राजस्थान में। एक रोज उन्हें मालूम हुआ कि कोरोना हो गया है, तब क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, उनसे हमने बात की और जानी उनकी कहानी। करीब एक महीने पहले मुझे थोड़ी हल्की फुल्की खांसी हुई थी, फिर दो तीन दिन खांसी रही, फिर उसके बाद मुझे बुखार आया। तो बुखार 101-102 के बीच में रहा, दो तीन दिन बुखार रहा तो खांसी और तेज बढ़ गई, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर मैंने डॉक्टर को जाके दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि आप एक बार कोरोना का टेस्ट करवा लीजिए। कोरोना का टेस्ट करवाया तो वो कोरोना पॉजिटिव आया मेरा। उसके बाद फिर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गए थे, वो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है यहाँ पे हेल्थ वाली, वहाँ पर ले गए, 15 दिन क्वारंटाइन में रखा, रोज गर्म पानी पीने को देते थे, दवाई वगैरह में तो कुछ नहीं, बुखार की दवाई पैरासीटामोल देते थे सिंपल बस, और तो कुछ ऐसा कुछ था नहीं। बट बहुत परेशानी होती थी वहाँ पर, क्योंकि सारे पेशेंट थे, बहुत सारे पेशेंट थे, सफोकेशन हो जाता था। मतलब बेड अलग अलग रहते हैं, एक बड़ा सा हॉल रहता है उसमें 50-60 पेशेंट रहते हैं इकट्ठे, एक एक मीटर 1.5 मीटर के करीब की दूरी होती है दोनों बेड में। अच्छा, तो आपको कोरोना पॉजिटिव पता चला तो क्या आपको डर लगा? डर तो लगा था थोड़ा सा, बट फिर कई बार इंटरनेट पे पढ़ा,
कि क्या होता है, तो उसमें कोई जैसे क्रिटिकल बीमारी किसी को होती है, एग्जाम्पल कि वो किडनी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है या बीपी, उनको ज्यादा खतरा रहता है। बट ऐसी तीनों में से कोई बीमारी मुझे नहीं थी, तो थोड़ा सा हिम्मत लगी कि नहीं अपन सही हो सकते हैं। और आपकी फैमिली को कैसा लगा जैसे पता चला, तो उन लोगों के ऊपर क्या रहा कोई? फैमिली को तो ऐसा कुछ नहीं लगा क्योंकि किसी में कोई सिम्टम नहीं थे। बट हाँ, थोड़ा सा ये है कि अड़ोसी पड़ोसी जो है वो थोड़ा सा ऐसा देखने लग गए थे जैसे तो हम कोई क्रिमिनल हो, थोड़ा सा वो आस पास वाले बात करना बंद कर दिया था सबने। इवन तो जब हॉस्पिटल से वापस आया तो उसके बाद भी करीब 1 महीने तक तो किसी ने बात ही नहीं करी थी। अच्छा, तो और अब आप कैसे हैं, स्वास्थ्य कैसा है आपका? अभी तो बिल्कुल ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जब वहां से डिस्चार्ज किया था तो एक बार वापस कोरोना का टेस्ट किया था उन्होंने, तो नेगेटिव आया था। उसके 3 दिन बाद फिर उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया था। कोई सिम्टम भी नहीं थे, सिम्टम करीब 8-10 दिन चले थे वो सिम्टम, उसके बाद ठीक हो गया था सब कुछ। अच्छा, तो कोई ऐसी वीकनेस या कुछ ऐसी तो नहीं आई आपको? थोड़ी सी कमजोरी तो फील होती है क्योंकि वहां पर क्वारंटाइन सेंटर में खाना वगैरह अच्छा मिलता नहीं था, तो और जो घर में खाना मिलता है दूध वगैरह है, ये सारा दूध हो गया अपना ब्रेकफास्ट हो गया, वहाँ तो सिर्फ 2 टाइम का खाना मिलता था और गर्म पानी पीने को, बस उसके अलावा कुछ नहीं मिलता था। तो थोड़ी सी कमजोरी तो महसूस हुई थी बट अब ठीक है थोड़ा सा। आपने दुकान पर वापस जाना शुरू कर दिया है अब? हाँ, अभी दुकान पर जाना शुरू कर दिया है। अच्छा, अब सब कुछ रेगुलर नॉर्मल चल रहा है? हाँ, अभी सब कुछ सही है। चलिए फिलहाल इजाजत दीजिए जाने की। याद है ना, थोड़ी थोड़ी देर में 20 सेकेंड तक क्या करना है? यस, हाथ धोना है साबुन से। नमस्कार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।